हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट 22 करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड तक हमारा करियर मोड जो चल रहा था उसमें आप देख चुके हो कि इंग्लैंड के साथ जो हमारा थर्ड टेस्ट चल रहा था तो उसमें बेसिकली इंग्लैंड ने बनाए थे फर्स्ट इनिंग में 152 रन। उसके बाद भारत ने जवाब में 271 रन बनाए थे जिसमें हमारी बैटिंग जो है कोलैप्स कर गई थी। आपको मैं दिखा देता हूँ स्कोर कार्ड एक बार, ये देखिए जिसमें सिर्फ हमारे आउट हमारे रन थे सिर्फ 152। उसके बाद अपन भी आउट हो गए थे, 271 तक पहुंचा पाए थे। उसके बदौलत यहाँ पे जो लीड है भारत ने ली थी वो मिली थी 119 रन की। तो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है गाइस और इसके बाद आ चुकी है सेकंड इनिंग इंग्लैंड की। अब देखना ये होगा कि क्या इंग्लैंड लीड ले पाती है आज हमसे। सिर्फ डे टू हुआ है, डे थ्री डे फोर डे फाइव 3 दिन बाकी है। अगर डेढ़ दिन इंग्लैंड बैटिंग कर जाती है तो यहाँ पे अच्छा खासा लीड ले लेगी। उसके बाद फिर अपने को चेस करना है डे फोर और डे फाइव में, जो कि आसान नहीं होने वाला है। कोशिश हमारी यही रहेगी गाइस कि हम जो है डे थ्री तक हमारी बैटिंग आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं आती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए। चलिए फिलहाल यहाँ पे पहली गेंद डाली जा चुकी है, यहाँ पे सेकंड इनिंग भारत वर्सेस इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंग्लैंड उतर चुकी है सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए और भारत यहाँ पे तैयार है विकेट्स चटकाने के लिए। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, तैयार हो जाइए इस मैच के लिए, इस एपिसोड के लिए। यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो चैनल पे। तो आप देख सकते हो 118 की लीड बची, एक रन के साथ खाता खोल लिया फिलहाल इंग्लैंड ने। और यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेके आ रहे हैं। ज्यादा स्विंग अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली बात है, पिच पुरानी हो रही है, यहाँ पे पाटा पिच है लेकिन थोड़ा सा स्लो है, तो सीम आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करा था गेंद को, हल्का सा धीरे गति के साथ सीम कर दी बाहर की तरफ निकाला। और यहाँ पे जो है ध्यान देना होगा इंग्लैंड के बैट्समैन को कि जो सीम हो रहा है गेंद वो पढ़ के अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। तो इधर पे हल्का सा सतर्क रह के खेलना पड़ेगा यहाँ पे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। फिलहाल यहाँ पे फ्लिक कर दिया है डी सिबले ने और एक रन यहाँ पे चुरा लेंगे जो यहाँ पे फॉर्म में इनके बैट्समैन है गाइज इंग्लैंड की तरफ से, वो है डी सिबले। यहाँ पे अगर हम डी सिबले का विकेट ले लेते हैं तो आई थिंक सो इनके मिडिल ऑर्डर को हम कोलैप्स करा सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही है गाइज अभी कि डी सिबले का विकेट उड़ाया जाए। चलिए फिलहाल एक बाउंसर डालता हूँ मैं क्योंकि अच्छा खासा बाउंस भी अवेलेबल है इस पिच के ऊपर, तो क्यों नहीं, यह लीजिए। बेहतरीन बाउंस यहाँ पे और वन बाउंस का इशारा यहाँ पे अंपायर की तरफ से। एक कटर्स भी डालता हूँ गाइस बिकॉज दो दिन खेला जा चुका है इस पिच के ऊपर तो टेस्ट करना जरूरी है। और कटर्स भी अच्छा खासा मूवमेंट है यहाँ पे, बट थोड़ा सा आई थिंक सो मैं लेंथ को पीछे खींच सकता हूँ कटर्स में, वो भी ट्राई कर लेता है और स्लो गति के साथ शायद मुझे लग रहा है ज़्यादा मदद मिलेगी। ये देखिए होल्ड करके जा रही है बॉल यहाँ पे, अगर हम स्लो रखते हैं गाइज पिच पे बॉल तो अच्छा खासा होल्ड कर रही है, फंस रही है बॉल और पिच को अच्छा खासा पकड़ रही है यहाँ पे। ये देखिए आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे ऑन द राइज या फिर ड्राइव्स लगाना इस पिच के ऊपर, तो वही में थोड़ा सा अगर इंडिया को दिक्कत पैदा करेगा तो वही यही करेगा कि अगर अच्छी खासी लीड ले लेती इंग्लैंड तो फिर यहाँ पे डे फोर डे फाइव में चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 100-150 से ज़्यादा की लीड नहीं होनी चाहिए, 150 भी बहुत मुश्किल होगा बट 200 अगर कहीं हो गया इंग्लैंड का तो फिर भाई नामुमकिन सा चीज़ हो जाएगा। चलिए फिलहाल एक विकेट उड़ाया आई थिंक सो अर्शदीप सिंह ने यहाँ पे हमीद का मेन विकेट अपने को हमीद का नहीं चाहिए, डी सिबले का विकेट चाहिए अपने को क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है। आप देख सकते हो पहले टेस्ट में उन्होंने बचाया था ऑलमोस्ट इंग्लैंड को, सेकंड टेस्ट में भी उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था इंग्लैंड को जिताने के लिए, और यहाँ थर्ड टेस्ट में दोबारा से वही क्लास और फॉर्म दिखाते हुए डी सिबले। इस बार फुल लेंथ बॉल, हल्का सा स्विंग कराने का ट्राई। ऑलराइट, चलिए लगातार यहीं पर गेंद डालनी होगी अपने ठिकाने पर। एक आउटस्विंग मारता हूँ मैं इसको और डी सिबले को, देखते हैं क्या डिसीव होता है ये। ऑलराइट, आउटस्विंग मारी थी यहाँ पे लेकिन स्विंग मैंने पहले बोला था आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जितना ज़्यादा हम
सीधा सीम रखेंगे तो वो जो है आप को नेचुरल मूवमेंट मिलेगी यहाँ पे इस पिच के ऊपर। चलिए स्टैंडर्ड डिलीवरी डालते हैं, वो भी लेंथ बॉल, और देखना आप कितना ज़्यादा सीम करती है वाली बॉल। इस बार भी सीधा रही यार, एकदम फंसा रहा होगा गाइज डी सिब्ले को यहाँ पे। अगर सेट हो गया ना एक बार ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 107 रन का ही ट्रेल है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपना बैटिंग बहुत गंदा वाला कोलैप्स कर रहा है इस मैच में और ज़्यादा सपोर्ट है नहीं मिडिल ऑर्डर में। इसी के साथ यहाँ पे ड्राइव मारा है डी सिब्ले ने और मिल जाएगा बेहतरीन चौका। ये देखिए ऊपर रखी थी थोड़ा सा गेंद, ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, सीम मिला नहीं वहाँ पर, और मिलेगा यहाँ पे चौका डी सिब्ले को। बाउंसर मारूँ इसको, क्या मारूँ अभी मैं, एक स्लिप शायद मुझे हटाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है, जरूरत नहीं है दो स्लिप की क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है गाइस, तो हम इतना ज़्यादा स्लिप लगा करेंगे क्या, दिक्कत वही है। ये देखो कटर से यहाँ पे अच्छी गिर रही है बाय द वे, क्योंकि पिच जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जैसे जैसे बॉल भी थोड़ा सा और पुराना होगा ना तो फिर और अच्छा खासा मूवमेंट्स मिलेगा अपने को कटर्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल वही बात है कि अभी कटर्स का कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। ये देखो आराम से खेलेंगे कटर्स क्योंकि उतना ज़्यादा अच्छे से बॉल अभी अच्छे से आ रही है, नई गेंद है तो बैट पर बढ़िया तरीके से आ रही है, जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा ना तो फिर फंसेगा। उसके लिए यार अपने को यही करना है कि 10 ओवर में 2.5 से ज़्यादा इनका रन रेट ना जाए, क्योंकि अगर बॉल ठीक है पुराना हम लोग करेंगे जब करेंगे, लेकिन अगर रन आ गया यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा फिर यार, और हम नहीं चाहते ये वाला टेस्ट मैच हम कैसे किसी भी तरीके से हारे, क्योंकि अगर ये वाला टेस्ट अगर जीतती है इंग्लैंड यहाँ पे तो 2-1 से आगे हो जाएगी और फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा गाइस लगातार 2 मैच जीतना। मतलब अगर ये वाला हम जीतते हैं तो अगर एक हारते भी हैं तब भी हम एक जीत के सीरीज अपने नाम कर सकते हैं कम से कम, लेकिन ये वाला हार गए तो फिर लगातार 2 जीतना और सीरीज अपने नाम करना वो बहुत नामुमकिन वाली चीज़ हो जाएगी फिलहाल। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं भी ट्राई यही कर रहा हूँ कि कैसे भी करके ये वाला टेस्ट जीतूँ, और मुझे लग रहा है कि उसके लिए हमको अपना हथियार निकालना पड़ेगा जो कि है स्लेजिंग। डी सिब्ले को थोड़ा सा स्लेजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलो चालू करते हैं नेक्स्ट ओवर से गाइस स्लेजिंग यहाँ पे। ये देखो ड्राइव में मार रहा है भाई साहब ये डी सिब्ले, नेक्स्ट ओवर से बताते हैं उसको। ऑलराइट यहाँ पे ऋषभ पंत से हमारा गाइस बात हो चुका है और मैंने बोला है कंटिन्यूअसली इसको पीछे से बोलते रहना, मैं अभी आगे से उसको परेशान करूंगा अभी। लेट्स गो मिशन चालू। हाँ सिब्ले क्या हुआ, ड्राइव मार क्या हुआ, ये ले खेल के दिखा इस वाली बॉल को, अभी लगातार इसको हम परेशान करने वाले हैं गाइस, आप देखते जाओ। डी सिब्ले कैन यू हिट अ सिक्स, हिट मी अ सिक्स कम ऑन, नो यू कांट आई नो दैट, नहीं मार सकते भाई तुम चक्का, तुम्हारे बस की नहीं है। एक बाहर की तरफ निकालते हैं गाइस। और यार यहाँ पे हल्का सा रूम दिया था सिब्ले को, उसने कट शॉट निकाल के एक चौका मार दिया थर्ड मैन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे गैप है, थर्ड मैन का फील्डर है नहीं अवेलेबल, एक एक्स्ट्रा स्लिप ले रखी है। मैं वही बोल रहा था कि मुझे शायद एक स्लिप हटा के थर्ड मैन पे पहुँचानी पड़ेगी। ये देखो वहाँ पे हल्के से लेट कट मारा और पूरा फ़ायदा मिलता हुआ वहाँ पे डी सिब्ले को उसका, 70 रन में पहुँच चुका फिलहाल 29 गेंदों में, विकेट चाहिए यार इसका मुझे, ये बहुत परेशान करने वाला गाइस, एनी हाउ मुझे विकेट चाहिए इसका। यॉर्कर मार के देखता हूँ, लेट मी चेक कुछ हो सकता है क्या, नहीं आराम से खेलेंगे यहाँ पे यॉर्कर, यहाँ पे क्रॉस सीम यॉर्कर एकदम स्टंप पर, बट कोई भी दिक्कत होगी नहीं वहाँ पे डी सिब्ले को। बाउंस भी लाइक ठीक है अच्छा है बट उतना ज़्यादा खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा तंग करें। अरे क्या कर रहे हो यार, ये गड्ढा फील्डिंग यहाँ पे फिलहाल अश्विन की, वहाँ पे शायद 2 रन बच सकते थे, यहाँ पे चौका करा दिया फ्री फंड का, वो पता नहीं किधर पे भाई डाइव लगा रहे हैं। ये देखिए आप, मतलब आप देखेंगे अगर रिप्ले में तो आप समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉल निकल रही है 2 फुट दूर से वहाँ
स्ट्रेट ड्राइव मारा था, ये देखिए एकदम कंट्रोल पे, और वहाँ पे भाई लुढ़क गया शिट, ऐसा लगा वहाँ पे जैसे फिसल गया, पता नहीं क्या हुआ। और देखिए सामने की तरफ एकदम चौका, बेहतरीन शॉट बाय द वे, ये तो बोलना पड़ेगा भाई, पिछला वाला शॉट काफ़ी तगड़ा था, 33 रन एक विकेट, यहाँ पे 3.5 के रन रेट से रन बनाए हैं यहाँ पे इंग्लैंड ने। विकेट्स का नामो निशान नहीं है गाइस, एक ही विकेट आया। मुझे वही डर था जिस चीज़ का कि यहाँ पे अगर 250 का भी, लाइक 250 छोड़ 200 का भी लीड अगर ले लिया इंग्लैंड ने तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो लीड है वो ज़्यादा नहीं बचा है, 80 रन का मात्र लीड है, जो कि आराम से सरप्रास कर जाएगी इंग्लैंड की टीम, दिक्कत होगा रही यहाँ पे। बट फिलहाल अपन तंग करेंगे जब तक कर सकते हैं, जब तक बॉल डाल सकते हैं तब तक तंग करेंगे इनको, डोंट वरी। आज सिबले क्या हुआ, दिख नहीं रहा है क्या, बॉल मार के दिखाओ भाई क्या हो गया, 35 बॉल खेली है तुमने, 21 रन बनाए हैं, लगाओ थोड़ा सा बड़े शॉट्स, या खेलना नहीं आता बड़े शॉट्स, ये मैं होता मैं उस पर छक्का मार देता, समझे, लगता है तुमको दिख नहीं रही है, थोड़ा अंडर आर्म डालनी पड़ेगी इसको। ये कहाँ से लेके आ गए भाई इंग्लैंड, एलिस कहाँ से लेके आ गए ये बच्चे को खिलाने के लिए, क्या हुआ सिबले भाई, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा आराम से भाई, टेम्परामेंट काम तरीके से यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है फिलहाल टी सिबले, लगातार 3 बाउंसर, और भाई साहब बंदे ने बल्ला भी नहीं लगाया, आप देख रहे हो टेम्परामेंट उसका। ऑल राइट, बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 विकेट गिरे हैं, 2 विकेट गिरे यार, मेरे को 3 लगे यार। ये देखो डी सिबले, हमारे दिक्कतें भाई यही हमेशा पैदा करता है, और इस बार फिर से आप देखिए इस मैच में सिंगल हैंडेडली यहाँ पे आगे बढ़ाता हुआ इंग्लैंड को, और यहाँ पे बेन स्टोक्स फिलहाल ये साथ देते हुए यहाँ पे डी सिबले का, 58 गेंद में 31 रन, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैटिंग कर रही है सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की टीम। तो यहाँ पे आसान नहीं होने वाला भारत को अब ये टेस्ट मैच, क्योंकि 6 रन की लीड बची है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 200 रन लगा सकते हैं ये लोग अगर विकेट्स नहीं लिए गए टाइम से। तो जो है यहाँ पे एकदम यॉर्कर फुल लैंड डिलीवरी, वहाँ पे एकदम सॉलिड डिफेंस टी सिबले का, कोई भी मौका नहीं विकेट्स निकालने का उधर पे, शॉर्ट बॉल पे आना पड़ेगा गाइज, लगता है मुझे शॉर्ट बॉल एंड कटर्स, क्योंकि अब वो समय आ चुका है, 33 ओवर डाले जा चुके हैं। बॉल की हालत देखिए आप, बॉल की हालत में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोनों साइड से भाई एकदम बर्बाद हो चुकी है अभी, मतलब एक साइड से तो फुली बर्बाद हो चुकी है, दूसरी साइड से थोड़ा बहुत बची है, क्रैक्स अच्छे खासे हैं। अरे थोड़ा सा मुश्किल में नजर आए यहाँ पे सिबले कटर्स के खिलाफ, तो मुझे लग रहा है कि अब कटर्स का ही अटैक करना पड़ेगा मुझे कॉन्टिन्यूसली लाइक दैट, लेकिन इस बार लेट कट निकाला है, वो रूम मिला उनको, और मिल जाएगा यहाँ पे एक और चौका थर्ड मैन की तरफ, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी अपने चैनल को पकड़ के चलेंगे, अभी अपने चैनल से जो है बिल्कुल नहीं भटकने वाले, अपन लगातार उस चैनल में गेंदबाजी करने वाले हैं। बेन स्टोक्स यह देखिए यहाँ फंसेंगे मुझे लग रहा है, लगातार अपने को बस यही खिलाना है, बाहर और अंदर, लेग कटर ऑफ कटर, बीच में एक आध बाउंसर भी मारेंगे अपन, है ना, ये देखिए अंदाजा नहीं लगा पाए बिल्कुल भी बेन स्टोक्स की, ये वाली गेंद जो है अंदर की तरफ आएगी, थोड़ा सा और अंदर मार दूं क्या पैड पे इसके, अरे नहीं यार ये वाला अगर मिस करते यहां पे बैट से तो शायद विकेट वो, तो यहां पे की भाई एकदम गलत थ्रो जिसने फेंका ना, वो मैं जब वहां पे था नहीं अवेलेबल, तो यहां पे फेंकने का मतलब था नहीं बिल्कुल भी, डायरेक्टली कीपर के हाथ में देना चाहिए था, जबकि मैंने कुछ मांगा भी नहीं था ये कि मुझे बॉलर एंड चाहिए थ्रो, कभी कभी यार टीम जो है थ्रो भी गलत करने लगती है। यार बेन स्टोक्स फिलहाल 66 गेंद खेल चुके हैं 38 रन बनाकर, और यहाँ पे टॉप एज लगा है बट बहुत ज्यादा ऊपर मिलेगा छक्का, किस्मत खराब है यहाँ पे हमारी फिलहाल, और साथ देते हुए यार देखिए टॉप एज लगा एक टाइम पे, शायद वो कैच उड़ गया, बहुत ऊपर गई थी गेंद, बट गति का इस्तेमाल, वहां पे मिल जाएगा छक्का। बेन स्टोक्स कंट्रोल में नहीं थे बट फायदा मिला है यहाँ पे,
end of the over. England are now on 130 for... एक और बाउंस से शुरुआत करते हैं गाइस इस ओवर की हम होपफुली इसमें एज लग जाए नहीं यहाँ पे बल्ला नहीं लगाएंगे टक करा है बेन स्टोक्स ने 44 में पहुंच चुके हैं बाय द वे और मात्र 6 रन दूर हैं अपने अर्धशतक से वो हमारे छक्का लगने के बाद 44 पहुंचे हैं लगातार 2 बाउंसर तो हो चुके इस ओवर में तीसरी ये डालने नहीं देगा पर नो बॉल दे देगा ये तो अभी हम जो है फिर अपनी कटर्स पर आ जाते हैं गाइस लाइक दैट और यहाँ पे सॉलिड डिफेंस बढ़िया लाइक कंट्रोल में है फिलहाल इंग्लैंड के दोनों बैट्समैन और मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल हम ट्राई यही कर रहे हैं गाइस कि कैसे विकेट्स आए ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा मतलब डेस्परेट एकदम नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगी यहाँ पे भारत अभी लाइक बहुत बैटिंग बैठी है यार इंग्लैंड की बटलर है बैरिस्टो है कितना आउट करेंगे यार हम लोग ये देखिए यहाँ पे बेहतरीन कवर ड्राइव बोल रहा हूँ मैं स्क्वायर कट ड्राइव है यहाँ पे बेहतरीन शॉट और उसके साथ फुलर लेंथ बॉल डाली थी 48 पर पहुँच जाएंगे बेन स्टोक्स के बैट का पूरा फेस खोला बिल्कुल भी हाफ शॉट नहीं पूरा कमिट किया शॉट को और मिलेगा चौका 48 में पहुँच चुके हैं फिलहाल 2 रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से ये देखिए इस बार स्ट्रेट ड्राइव अश्विन भाई रोक लियो भाई मार दे नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा थकेला थ्रो उसको बोलते ना थका हुआ थ्रो वही था इसी के साथ दोनों बैट्समैन की 50 हो चुकी है गाइस बेन स्टोक्स भी और सिबले भी एज लगा यार लेकिन वो एकदम एक्स्ट्रा स्लिप रखी नहीं थी हमने 2 स्लिप के साथ कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ पे और वो उसी गैप से निकलती हुई फिलहाल बॉल आप देखिए किस्मत खराब यहाँ पे एकदम किस्मत खराब लगता है वो एक्स्ट्रा स्लिप लेनी पड़ेगी गाइस मुझे एक मिनट रीसेट चेंज करना पड़ेगा भाई 3 स्लिप चाहिए मुझे अभी अटैकिंग 3 स्लिप नहीं ये ज़रूरत नहीं है स्पिन अटैक नहीं चाहिए मुझे पेस अटैक 1-2 हाँ ये रख सकता हूँ थोड़ा सा वाइड रख सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ यस ये सही है भाई यहाँ पे अपने को एक एक्स्ट्रा स्लिप भी नहीं लेनी पड़ेगी और ये वाली स्लिप को हम थोड़ा सा वाइड रखेंगे ठीक है yep. ये लीजिए जो फ्लिक कर दिया है कलाइयों का इस्तेमाल और आई थिंक जो बेहतरीन शॉट है वहाँ पे गैप में मिलेगा चौका एक और डी सिबले को भाई अब तो तोड़ना चालू कर रहे हैं यार ये लोग एक सेकंड यार क्या करूं यार गाइस मैं डाल तो कटर सी रहा हूं लेकिन थोड़ा सा और बल्ले के पास से निकालनी पड़ेगी पकड़ लेना भाई पकड़ लेना प्लीज 9 ओवर डाल चुके गाइस हम एक भी विकेट नहीं हमारे नाम 44 रन भी दिए हैं तो हमारी भी गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही आज इस इनिंग में पिछले दिन में तगड़ी थी अरे यार जब किस्मत होती है ना खराब तो यही होता है फिर ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बाई के रन आते हुए फिलहाल शॉर्ट पिच बॉल डाली थी और उसको टक करा एंड ऋषभ पंत के काफ़ी ज़्यादा दूर से निकली है वो वाली गेंद 1 बाउंस दे देगी एक सेकेंड बाउंस डालूंगा मैं इस बार बीट करेंगे लेकिन अब बल्ला नहीं लगा 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और इंग्लैंड की जो क्राउड है आप देखिए लगातार चीयर अप करती हुई इंग्लैंड की टीम के लिए करे भी क्यों ना भाई एक बैट्समैन को 70 पे खेल रहा है दूसरा बैट्समैन यहाँ 53 पे तो बहुत ही लंबी पार्टनरशिप होती हुई यहाँ पे सिबले और स्टोक्स के बीच में और रन रेट भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है 3-71 का या 9 गेंद जब किस्मत भाई साथ नहीं दे रही हो तो फिर यही होता है गेंदबाज के साथ 9 जाती है बाई के चौके आते हैं एक्स्ट्रा रन आते हैं ऐसे लगी यहाँ पे कैच पकड़ेंगे क्या नहीं कैरी ही नहीं करेगी बॉल थोड़ा सा आके ट्राई करना चाहिए था पता नहीं वहीं पे खड़े रहे किस लिए खड़े रहे आई डोंट नो थोड़ा सा फील्डिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं हो रही है भारत की तरफ से लाइक आगे आगे ट्राई कर सकते कमिट कर सकते थे उस कैच के लिए बट नहीं करा
और उसी का आप देख रहे हो नतीजा, वो विकेट नहीं मिलेगा। जिस तरह से दो एज लगी थी गाइज, लेकिन दोनों ही मौके वहाँ नहीं बना पाई है भारत की टीम। भारत की फील्डिंग थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ढीली लग रही है आज, क्योंकि जिस हिसाब की पार्टनरशिप हो रही है लग रही है जैसे थक गए सारे के सारे फील्डर। फिलहाल आराम से खेलते हुए दोनों बैट्समैन, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये लीजिए मारा यहाँ पे सिवले के पैड में थ्रो, ये कुछ नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है थोड़ा सा भारतीय टीम का, और होगा भी क्यों नहीं। इस बार ये देखिए बेहतरीन कवर ड्राइव, कोई मौका नहीं वहां पे, और ये अपना पैर सही कर रहा है, पता नहीं कौन है, राणे कौन है, ये गायकवाड़ है, लेकिन पैर ही सही करते रह जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आराम से रन बना रही है इंग्लैंड की टीम। ये देखिए बेहतरीन शॉट, बल्ले का पूरा फेस खोला डी सिवले, दिखाया है कि किसको बोलते हैं क्लास। भारतीय टीम के बल्लेबाजों को थोड़ा सा सीख लेनी पड़ेगी इनसे कि ऐसे आपको बैटिंग करनी पड़ती है मुश्किल परिस्थिति में, विकेट्स फेंक के नहीं जाना है। आप यजवेंद्र चहल चश्मा लगा के विकेट्स भी ले लीजिए भाई साहब, चश्मा वश्मा तो पूरा लगाया हुआ है, आई नो दैट, विकेट्स भी ले ले तो थोड़ा सा मजा आ जाता। देखते हैं अभी मैं जरा थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखता हूँ गाइस। यजवेंद्र चहल से 5 ओवर डलवाए हैं हमने बाय द वे, लगा सकते हैं क्या यजवेंद्र चहल को? मैं सोच रहा हूँ लगा दूँ यूजी चहल को, सेकंड बॉलर हम यूजी चहल को लगाते हैं गाइस। 45 रन की लीड ले चुके हैं फिलहाल ये लोग। यूजी चहल, चलो एक साइड से हम फेंकेंगे और एक साइड से यूजी चहल यहाँ पर, इजी बॉय। थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा गाइस, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है से विकेट गिरेगा। ठीक है हम लोग माहौल बनाते हैं अभी विकेट निकालने के लिए, ऐसे नहीं मिलने वाला गाइस अदरवाइज विकेट, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं रहेगी वो कुछ होने नहीं वाला। चलिए अभी नेक्स्ट ओवर से मैं जो है माहौल बनाने वाला हूँ विकेट निकालने के लिए। मिलेगा भाई, थोड़ा सा क्लोज आ जाओ सब लोग, चलो फंसाते हैं उसको डी सिब्ले को, ये नहीं लगेगा अब इस पर, ये अब फंसने वाला है, जाएगा ये बहुत जल्दी। कोई बात नहीं एक आध जाएगा चौका, बट इट्स ओके, निकालना है यहाँ पे विकेट अपने को। थ्रो दिया है भाई, देखो कितना स्लो थ्रो आ रहा है यार, दिख रहा है मतलब कितने साफ साफ थकी हुई हमारी टीम, मतलब दो बाउंस में या वन बाउंस में थ्रो ही नहीं आ रहा है, दो बाउंस तीन बाउंस में थ्रो आ रहा है इनका, देख रहे हो आप, और कितना स्लो आ रहा है मेन थ्रो, वहां पे क्या रनआउट का चांस बनेगा। खैर बैन स्टोक्स भी 60 पे पहुंच गया है, मुझे लग रहा है दोनों शतक ना मार दें। अरे भाई यही तो चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट, ऐसे डिसीव कराना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 ओवर, तब जाके वो कुछ होता। लेकिन यहां तो भाई साहब थोड़ा सा स्किप करा मैंने, और नेक्स्ट स्पेल के लिए फिलहाल हम आए हैं 12 ओवर के बाद, और 84 की लीड अब ले चुकी है यहाँ पे, 97 पे पहुंच चुके डी सिबले एंड बैन स्टोक्स 77 रन 119 गेंदों में। शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए आई थिंक सो, अभी 97 क्या विकेट मिलेगा यहाँ पे, शतक नहीं बनाने देंगे क्या? पुल शॉट लगाया है, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है, दो रन ले लेंगे, फेंक 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 जल्दी फेंक, दो रन ले लिए वहाँ पे, 99 पे पहुंच जाएंगे इसी के साथ सिबले, एक रन मात्र दूर शतक से, क्या विकेट गिरा पाएंगे गाइस, अगर गिरा देंगे भाई मजा आ जाएगा लिटरली। ओह सीधी की सामने यहाँ पे फुलर लेंथ बॉल, क्रॉस सीम डिलीवरी, यहाँ पे ड्राइव मार दिया सामने की तरफ, थोड़ा सा और यॉर्क डाल सकता हूँ क्या, ऑलराइट फिर से सेम काइंड ऑफ शॉट, एक रन के लिए यहाँ पे परेशान तो कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि यहाँ पे दबाव फिलहाल मुझे लग रहा है बैट्समैन के ऊपर है थोड़ा सा, शतक का प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर को यहां पे आराम से हैंडल करेंगे, और डी सिबले बेहतरीन शॉट, कलाई का इस्तेमाल, फ्लिक कर दिया लॉग ऑन की तरफ, 3 रन के साथ शतक, 4 रन ले लेंगे यहां पे भाग के, और शतक भी पूरा करेंगे। बेहतरीन पारी यहां पे इंग्लैंड को संभाला है, और दिखाया है कि क्लास किसको बोलते हैं, एकदम मुश्किल परिस्थितियों में यह पारी, 174 गेंदों में 103 रन,
और यहाँ पे भारत की टीम को मुश्किल परिस्थिति में लाए हैं डी सिबले एंड बेन स्टोक्स दोनों मिलकर। 90 की लीड ले ली है गाइस, विकेट अभी तक दो ही गिरे हैं सेशन में। आई थिंक सो डे की समाप्त, पूरा दिन खेल लिया आज इनने। लेट मी चेक, एक मिनट स्कोर कार्ड देखते हैं गाइस। हाँ, डे टू पूरा खेल लिया है यहाँ पे बिना विकेट खोए, मतलब दो विकेट, एक दो तीन, हाँ तीन विकेट खोए हैं यहाँ पे, और तीन विकेट खोकर ऑलमोस्ट 210 रन बना दिए। समझ रहे हो आप किस लेवल की बैटिंग करी इंग्लैंड ने यहाँ पे? इसको बोलते हैं भाई बैटिंग। इसको नहीं कि भाई 152 या कितने, हाँ मतलब समथिंग 271 पे ही शायद ऑल आउट वो कॉलेप्स हो गई थी हमारी टीम, जिसमें 152 हमारे थे। अगर 152 हटा दो आप तो कितने बच रहे हो? ऑलमोस्ट 100 रन के अंदर ही अब बाकी की टीम हमारी कॉलेप्स करी है। और लाइक डे 4 और डे 5 में मुझे यही आशंका लग रही है कि फिर से कॉलेप्स ना हो, क्योंकि पिच यार इतनी आसान नहीं है ऑब्वियसली। पता नहीं यार कैसे जीतेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल इंग्लैंड का पड़ रहा भारी लग रहा है मुझे। पूरा जो है मैच का रुख ही पलट दिया इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने। और अभी भी आप देख रहे हो दोनों के दोनों बैट्समैन सेट हैं यहाँ पे, एक भी लूज शॉट नहीं, एक भी फालतू की ड्राइव्स नहीं है। देखो एकदम बेहतरीन कवर ड्राइव्स निकाली है लगातार, फुलर लेंथ बॉल को एकदम सही तरीके से फुल कमिट कर रहे हैं यहाँ पे शॉट को, हाफ कमिटेड शॉट नहीं खेल रहे। मुझे अपने को मार पड़ रही है तो भाई सबको ही पड़ रही है मार। फील्ड चेंज करनी पड़ेगी गाइस, मुझे फिर से लग रहा है थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा मुझे ऑफ साइड पर। दो स्लिप के साथ जा सकता हूं मैं, पेस एग्रेसिव, ये वाला फील्ड भी ओके है बट नॉट दैट गुड। एक स्लिप रखूं, दो स्लिप तो खैर रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली एजेस तो लगेंगी, ये बात तो तय है। दो स्लिप तो रखूंगा मैं, और एक थोड़ा सा कैचिंग पोजीशन पे इसको रखते हैं पास में एक फील्डर को, राइट। हल्का सा जो है लेग स्टंप को टारगेट करेंगे अपन, ताकि जो हमने फील्डर लगाया ना उधर हल्का फुल्का एज वेज लग गया फ्लिक कुछ ओके कुछ भी हो जाए भाई वो विकेट मिल जाए अपने को बस। तो हल्का सा लेग स्टंप पे गाइस टारगेट करूंगा मैं बॉलिंग लाइक दैट, और यही कैच उठवाना है अपने को। चलो एक बाउंसर डालता हूँ, अभी बहुत टाइम से नहीं डाली है यहाँ पे बाउंसर, स्लोअर डालूंगा वो बाउंसर इसको। मार भाई क्या हो गया, अभी लगा पुल शॉट वाइड, सीरियसली ये अंपायर यार क्या कर रहे हो यार, ये सब चीटिंग है, ये नहीं इतना ज़्यादा ऊपर तो नहीं थी मेरे ख्याल से। ऑलराइट चलो हम भी करेंगे थोड़ा सा नौटंकी, अभी हल्का सा रिदम तो बिगाड़ना पड़ेगा इनका है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा अदरवाइज। इस बार फिर से डालेंगे गाइस लेंथ बॉल और थोड़ा सा लेग स्टंप पर, ओ यहाँ पे फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की तरफ, एक रन मिल जाएगा। मुझे लगा था शायद जो है लेग साइड की तरफ मारेंगे ये शॉट, और पर्टिकल को वहाँ पर इसीलिए लगा रखा है कि लेग साइड पर मारे आपको बस कैच करना फटाफट, कैसे भी गिर के पड़ के उठ के लेट के उड़ के आई डोंट नो, बस कैच करना है। Wait, yes. कैच यहाँ पे छोड़ दिया भाई, ऑलमोस्ट इस हाफ चांसेस को आप नहीं बनाएंगे तो कैसे विकेट मिलेगा, ऑलमोस्ट सर के ऊपर से देखिए, और मेरे ख्याल से कैच होना चाहिए था ये। एक मिनट हम थोड़ा सा रिप्ले में देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, क्या एक वो कैच बनता था या फिर सच में बहुत ज़्यादा ऊपर थी बॉल, क्योंकि वो समझ में मुझे भी नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे डाली थी लेग कटर बॉल, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई और बेन स्टोक्स कंट्रोल में नहीं थे, चिप कर बैठे। ये क्या है भाई, ये कैच क्या क्या है ये गाइज, आप बताओ यार, मैं यार क्या बोलूँ अभी इसके लिए, ये आपको कौन बोला था वहाँ उछलने के लिए? नॉर्मल अगर आप दौड़ते दौड़ते पकड़ते बॉल तो कैच हो जाता, कौन था ये गायकवाड, छोड़ो यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी, अब जो बात हुई वो ड्रेसिंग रूम में होगी, अब यहां कुछ नहीं होगा। अब ले लो भाई, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल बेन स्टोक्स को फंसा लिया यहां पे, फुलर लेंथ बॉल डाली थी अगली
और हल्का सा स्विंग अंदर की तरफ, मतलब वो रिवर्स स्विंग बेसिकली, बाहर की तरफ ही रखा था सीम पोजीशन को, लेकिन हल्का सा रिवर्स स्विंग जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ आई और यहाँ पे ड्राइव मार बैठे बैन स्टोन्स, बिना कंट्रोल में थे और वो हवा में तैरी बॉल और सीधा फील्डर के हाथ में। चलो ब्रेक थ्रो तो दिलाया है गाइस यहाँ पे। फिलहाल कप्तान जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हुए, ये देखिए बॉल में दिखाता हूँ आपको, क्या बेहतरीन बॉल। ये देखिए भाई रिवर्स स्विंग यहाँ पे गाइस, ये देखिए बॉल पुरानी हो चुकी है यहाँ पे, रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग कम्स इन प्ले, तो अभी थोड़ा सा अपने को और ध्यान रखना होगा राइट। अच्छा खासा रिवर्स हम अभी भी करा सकते हैं बॉल को, और ज्यादा मजा आ जाएगा लिटरली। चलिए अब थोड़ा सा मिला ना अपने को एक हथियार रिवर्स स्विंग का, कटर्स भी डालेंगे बीच बीच में, ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन लीड यहाँ पे 104 की हो चुकी है। अभी भी अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, बट वही बात है कि अभी बैरिस्टो है, बटलर है, वोक्स है, तो बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है यार इनकी, बट ठीक है। एक एंड से यहाँ पे अश्विन या फिर यूजी चहल विकेट्स निकाल के देते हैं तो भी चलेगा अपने को। फिलहाल 224 चार विकेट के नुकसान पे 60 ओवर के बाद इंग्लैंड 225 हो गए अभी, और ये सिबले नहीं जा रहा भाई, ये शतक लगा दिया है, नो बॉल, पैर निकला है आगे एक्स्ट्रा पेस के चक्कर में, वो पैर आगे निकाल बैठे अपन। चलो एक विकेट मिला है 71 रन भाई, तोड़ाई तो हुई है यार। बाउंसर डिलीवरी यहाँ पे बीट करेंगे बैरिस्टो को, नए हैं बैरिस्टो तो थोड़ा सा जो है अपन इनको टारगेट कर सकते स्टार्टिंग में, बट वही चीज़ है कि अगर सेट हो गए एक बार तो फिर बैरिस्टो भी भाई खतरनाक है, आसान नहीं होगा इनको भी बॉलिंग करना। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपना स्पेल खत्म कर दूँ, लाइक ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं करता हूँ। इस बार फ्लिक कर दिया है, पैरों पर थी बॉल और चाहिए फाइन लेग की तरफ, और मिल जाएगा एक रन आराम से। कहाँ डालूं यार मैं क्रॉस सीम, पता नहीं, सारी वेरिएशन ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल मैं, कुछ भी एक भी स्पेसिफिक तरीके की बॉल नहीं डाल रहा हूँ। इस बार देखिए क्रॉस सीम डिलीवरी डाली थी, फिर से वो लेंथ बॉल और रूम मिला और फायदा हो रहा है। सिबले को आसान हो रहा है अभी, सिबले के कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की बॉल खेलना। क्रॉस सीम डालो आप, मुझे लग रहा है कि एक अब अपने को नई गेंद मगा लेनी चाहिए, या जल्दी होगा अभी भी, क्योंकि वही चीज़ अगर हम अभी मंगाते हैं और दोनों बैट्समैन अगर शायद झेल गए लाइक 10 ओवर, तो फिर हमारे पास कोई भी हथियार नहीं रहेगा लास्ट के बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो इसीलिए हम थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहे हैं इस नई गेंद को। एक आध दो विकेट और निकालें फिर उसके बाद हम नई गेंद मंगाते हैं भाई। ये नहीं छोड़ने वाले यार, बैरिस्टो भी 31 रन बना चुका है यहाँ पे, 168 की लीड हो गई है, और सिबले यहाँ पे 137 पहुंच चुका है, 244 गेंद, समझ रहे हो आप गाइस। सिर्फ डिफेंड ही नहीं किया रहा है, उसने मारा भी है भाई, ये देखो क्या ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे फ्लिक, और मिलेगा एक और चौका। 76 ओवर, डे 3 भी मुझे नहीं लग रहा ये आउट होने वाला है, ये पूरा खेल जाएंगे डे 3 भी। मार दे भाई, अरे रन आउट दे, क्या भाई क्या हुआ ये, इसने थ्रो क्यों नहीं फेंका मुझे, एक मिनट दिखाना। अच्छा ओके समझ गया मैं, वो अंदर आ गया था, वही मैं सोच फ्रेम में नहीं था ना, वो मुझे लगा शायद वो उस साइड भाग गया है, अच्छा इसीलिए उसने थोड़ी फेंका, मुझे एग्जैक्टली वही लगा कि वो स्ट्राइकर एंड पे भाग गया, नॉन स्ट्राइकर भी। बैरिस्टो 35 रन बना के खेल रहा है फिलहाल 47 गेंदों में, सॉलिड डिफेंस यार, बैरिस्टो डिफेंस दिखा रहे हैं अभी। आप सोच रहे बटलर को आना बाकी है अभी,
बहुत बैटिंग है यार, ये तो डिक्लेयर कर दो यार प्लीज़। ये डिक्लेयर भी नहीं करने वाले अभी, इनको पता है कि जो हमारा फॉर्म काफ़ी तगड़ा चल रहा है और तेज़ गति से अपन रन बना सकते हैं। बाकी की टीम कोलैप्स हो सकती है आई नो, बट अपने को पता है अगर लाइक 170 या 100-200 रन भी रहते हैं ना तो कैसे जीतना है इस मैच को। बट अगर 300 हो गए या 250 हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा यार। 200 तक कंट्रोल में है स्थिति, बट 250 के ऊपर थोड़ा सा फिर कंट्रोल से बाहर है हमारे, फिर टीम का साथ चाहिए होगा अपने को। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है जीतना, लेकिन टीम का साथ चाहिए होगा उसके बाद। रन रेट देखिए बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है, 377 का, 3.77 एंड 176 की लीड। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं फिलहाल जो रूट, क्योंकि डिक्लेयर नहीं कर रहा है अभी तक, तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है साफ कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहेगी इंग्लैंड। अगर 300-325 नहीं बनता तब तक ये लोग डिक्लेयर नहीं करने वाले हैं 110%, और क्या पता 400 तक भी डिक्लेयर ना करें, तो लंबा बैटिंग करने वाले हैं ये लोग। तो एक ही चीज़ हो सकती है फिर गाइस, अगर अपने को लगेगा कि 1.5 दिन से कम है हमारे पास तो फिर जीत के लिए जाएंगे नहीं हम, फिर ड्रॉ के लिए जाएंगे, है ना। अगर 1.5 दिन से कम है तो फिर 300-400 रन यहाँ पे चेस नहीं होने वाला, लेकिन बैट पहले है, बैट लगा आई नो दैट, और मिस भी कर रही है वो, बेगाई देख लेता हूँ एक बार, मिस कर रही है आई नो, रिव्यू का कोई मतलब बनता नहीं है। अब मैं नहीं भी कर रही होगी मिस तो भी बैट में लग रही है, बट देखिए बहुत ज़्यादा बाहर, ऑब्वियसली मिस करती हूँ यहाँ पे लेग स्टंप को, और इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बाहर लेग स्टंप पे, स्विंग उतना ज़्यादा अब नहीं हो रही है जितना पहले हो रही थी स्टार्टिंग में। वो नई गेंद आएगी तभी थोड़ा सा आपको हरकत देखने के लिए मिलेगी। अरे भाई ये स्टंप कैसे बच गया, नहीं यार ये यार चीटिंग है सीरियसली, ये नहीं मानता मैं, ये कैसे बचे हो तुम। ये देखो गाइस आप यार थोड़ा सा अंदर और आ जाती यहाँ पे सीधा ऑफ स्टंप उड़ता, इनसाइड एज लगाता यहाँ पे बैरिस्टो का, यहाँ 80 ओवर फिलहाल 303 रन 4 विकेट नुकसान पर इंग्लैंड। yes. और बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में डकेला एडी से लेने को 4 रन के साथ करेंगे 150 रन पूरे, 256 गेंदें खेली है भाई डी सिवले, बेहतरीन बैट्समैन यहाँ पे, टेम्परामेंट क्लास दिखाते हुए। नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लाइक मुझे उठवाना पड़ेगा गेंद को, हल्का सा लेंथ और पीछे खींचता हूँ। 188 का लीड हो चुका है, 200 के बहुत करीब है, मार 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 पहुंच जाएगा। मेरे को क्या कैच दे रहा है अभी, ऑलराइट बैरिस्टो भाई तू भी लगा दो यार बल्ला। yes, ले लो। अच्छा ठीक है, दूर थी थोड़ा सा पर्टिकल से, मुझे लगा शायद उधर ही पर्टिकल के पास ही जा रही है। 8-10 ओवर और उसके बाद इधर नई गेंद हमने ले ली है फिलहाल, और यहां पे अब जो है आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये ली, ये देखिए हल्का सा सीम होती है वो नई गेंद, फिलहाल भारत ने यहाँ पे नई गेंद ले ली है और अब विकेट की तलाश में है, क्योंकि अगर 10 ओवर और टिक गए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला। अब चलिए इस बार अंदर की तरफ स्विंग और उसको आराम से डिफेंड करा। डी सिवले का वैगन व्हील देखिए, डॉम सिवले आज तो लिटरली डोमिनेट कर रहा है यार बैटिंग को, मतलब विकेट्स ही नहीं मिले लोगों को। अरे भाई ये क्या बॉल थी, यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम करेगी बैरिस्टो का एकदम ऑफ स्टंप्स के बगल से। नहीं इस बार फ्लिक कर दिया है, चौका मिलेगा इट्स ओके, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी ये वाली भी, अगर हल्का सा थोड़ा सा 1 या 2 फुट पीछे और खींचते हैं बॉल को तो शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे विकेट्स आ रहा है।
विकेट लोड हो रही है गाइस बैरिस्टो की। यस चलिए इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ कवर्स की तरफ और वहां पे दो रन चुरा लिए। देखो भाई, देखो वो खेल रहा फुटबॉल, फेंक दे भाई, कल तक फेंकेगा क्या। तीन रन करवा दिए, देख रहे हो गाइस, एक रन का तीन करवा दिया उसने। क्या बोलूं मैं, गड्ढा फील्डिंग। इजी बॉय, मिलेगा मिलेगा, पेरिस्टो का मिलेगा मुझे लग रहा है विकेट। सिबले का थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट पेरिस्टो का मुझे लग रहा है कि मिलेगा विकेट यहाँ पे। हल्का सा डेक हार्डली हिट करते हैं अभी हम, वो तेज गति से निकालते हैं बाहर की तरफ। चलिए इस बार चिप कराने का प्रयास, टाइमिंग हुआ नहीं वहां पे सिबले का। सिबले ही अपने को मिल रहा है फिलहाल, वो 48 पे पहुंच चुका है। पेरिस्टो भी आप देख रहे हो गाइस ऑलमोस्ट 50 के करीब। कितने रन बनाओगे यार इंग्लैंड वालों, यार शर्म करो यार, 202 बना लिए, क्या चाहते हो हम छोड़ दें मैच तुमको, अभी सीधा विनर डिक्लेयर कर दें इस मैच का। कितना भाई फील्डिंग करवाओगे यार, कोई तो जाके बोलो यार उससे यार, जो रूट से डिक्लेयर कर दो यार प्लीज, बहुत हो गया अपनी उरी फील्डिंग हमारे फील्डर्स से, सब थक चुके यार, तो सब बहुत तोड़ाई चल रही यार, मेरी भी तोड़ाई हो रही, मैं क्या किसको बोलूं अभी। मेरा खुद शतक होने वाला है, 98 में पहुंच चुका हूं मैं 20 ओवर में। पांच की इकोनॉमी से रन आया भाई हमारे ओवर्स में, बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं है पांच की टेस्ट मैच में। दो रन दूर है मात्र गाइस हम भी अपने शतक से, और आई थिंक तो सिबले ही आराम से करवा देंगे हमारा शतक। डे थ्री भी भाई ने पूरा खेल लिया, एक बार मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। डे थ्री देखिए आप, दो सेशन आराम से खेल लिया है, उसका लास्ट सेशन बचेगा, मुझे लग रहा है डे थ्री भी पूरा डकार जाएंगे, क्योंकि अगर विकेट गिरता भी तो अभी आधी टीम बैठी है उनकी, कितने विकेट गिरा लेंगे हम एक सेशन में। हालांकि लेवल पे बैटिंग करी है यार, फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ एक और सेशन का एंड, उसका लास्ट सेशन बाकी है। पसीना फेंक दिया भाई सबने, जॉनी बेस्टो ने भी लिए, देख लीजिए गाइस 50 रन पूरे कर लिए। एंड यहाँ फिलहाल यार डीन सिबले लगातार ड्राइव्स मारते हुए, अब तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है उनका, 200 लगा देंगे लगता है आज भाई, बहुत अलग लेवल की बल्लेबाजी करनी होगी अब भारत को अगर ये मैच जीतना है। डॉम सिबले ने भाई मजबूत स्थिति पहुंचा दिया फिलहाल इंग्लैंड को। ये देखिए फिर से ड्राइव, बैक टू बैक चौके, हमारा भी शतक हो गया है। समझ रहे हो आप गाइस, 274 गेंद खेली है भाई उसने, 300 बॉल खेल जाएगा ऑलमोस्ट, और एक भी ऐसी लूज शॉट नहीं खेले है, या फिर एक आध शुरुआत में एज लगी थी, दो एज लगी है मेरे बॉलिंग में, अब बाकी किसी पर लगी तो पता नहीं, लेकिन मेरे बॉलिंग में सिर्फ दो एज लगी है उसके, उसको बाकी उसने सिर्फ पूरा मिडिल करा है बैट पे सारी की सारी गेंदों को। 105 रन वाइज दे दिए हम 21 ओवर में, विकेट एक ही मिला है, दूर ही खिलाऊंगा अभी, क्या करूंगा यार, बल्ले के पास खिलाने से कुछ हो नहीं रहा है फायदा, दूर ही खिलाते हैं शायद कुछ हो जाए। इस ओवर में भी गाइस 7 रन आ चुके हैं फिलहाल। चलिए जॉनी बेयरस्टो, मैं अपनी बोलिंग हटाता हूँ यार अभी, मेरे में थोड़ा सा वो करता हूँ, स्पिन को लगाता हूँ, स्पिन को लगाऊं या फिर अर्शदीप सिंह को लगा दूं। हाँ एक राइट आर्म रहेगा और यहाँ से जस्सी बुमराह, चलो हाँ विकेट गिरा है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा करा भाई मैंने यहाँ पे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को लगा के, लेकिन भाई रन बहुत बना चुके हैं ये लोग,
मैं आपको ज़रा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, अपने को जीत के लिए फिलहाल कितने रन चाहिए वो मैं आपको सब बता देता हूँ अभी। तो 405 रन बनाए हैं भाई, समझ रहे हो आप, 300 का कुछ रहेगा अपने सामने लक्ष्य अब, और बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बैटिंग करनी होगी, अगर पार्टनरशिप अच्छी मिलती है और तगड़ी बैटिंग होती है तो भारत ये मैच जीत सकता है। 286 रन का टारगेट है गाइस हमारे पास, तो 286 पर विन कर जाएगी यहाँ पे इंग्लैंड। पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं गाइस यहाँ पे इंग्लैंड के जीतने के, भारत के बहुत कम चांस है। 286 चीज़ करना मजाक नहीं है यार। आप देखो डे 3 चल रहा है, वो भी लास्ट सेशन यहाँ पे, और हम लोग चेज पता कितना कर रहे हैं, 286 ऑलमोस्ट 300 रन, पौने 300 रन। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो यहाँ से कि कितना आसान होने वाला ही है मैच। हाँ वो बात अलग है कि अगर 2 सेंचुरी आ जाए 2 बैट्समैन की तो बन सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन वही बात है कि टिक के खेलेगा कौन इस पिच में। चलिए फिलहाल पडिकल और हम हैं अभी स्ट्राइक पर, और फिलहाल तो यार मैं अभी डिफेंसिव ही खेलना चाहूँगा स्टार्टिंग ओवर, क्योंकि अब सीम तगड़ा है और स्विंग भी फिलहाल मिलेगा, नई गेंद है बट सीम अच्छा खासा करेगी गेंद। चलिए इस बार निकाला है कैप में, टाइमिंग उतना अच्छा है नहीं बट 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। ये वाला सेशन खत्म करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या ये वाला सेशन नाम रहता है भारत के, अगर नहीं रहता है तो फिर भूल जाइए जीतने की उम्मीद यहाँ पे, और रहता है तो थोड़ा सा उम्मीद बनेगी थर्ड टेस्ट जीतने की, वरना फिर 2-1 से आप इंग्लैंड आगे जा रही है। यहाँ पे अधिक अटैकिंग क्रिकेट खेलती हुई फिलहाल 3 स्लिप प्ले रखा है यहाँ पे, बी अबॉट गेंदबाजी कर रहा है और 3 स्लिप के साथ उतरी है यहाँ पे इंग्लैंड, और लगातार ट्राई करते हुए यहाँ पे बी अबॉट ऊपर वाली गेंद सीम स्विंग। पडिकल फिलहाल 6 में 4, साथ देना होगा भाई पडिकल को भी। चलिए इस बार लेग थोड़ा सा ऊपर थी बॉल और उसको लेग साइड की दिशा में ढकेल दिया है, 2 रन की मांग करी है, मिल जाने चाहिए। ले इतना दूर से कैसे डायरेक्ट थ्रो, हमारे भाई बैट्समैन हमारे जो फील्डर रहते हैं वो पास से नहीं मार पाते हैं भाई, कहां से मार दिया बंदे ने, ऑलमोस्ट डीप बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो डायरेक्ट हिट, ये देखिए इसको बोलते हैं फील्डिंग। और यहाँ पे पडिकल का हो गया काम तमाम, 4 रन पे स्कोर पे जाते हो, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई फिलहाल, पहला सेशन नाम होने का बाद लाइक बहुत दूर, यहाँ पे पहली पार्टनरशिप होने से पहले एक विकेट गिर गया, वो इसको अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते भाई, वो उधर से थ्रो लगना नामुमकिन है यार, 2 रन बनते हैं वहाँ, थोड़ा स्लो हुए कैजुअल हुए वहाँ पे पडिकल, हल्का सा तेज दौड़ते तो शायद जो है पहुँच जाते, बट वहाँ पे थोड़ा सा कैजुअली दौड़े, उनको लगा कि उतना दूर थोड़ा थोड़ा ना लगेगा, और वहाँ पे आउट होके बाहर जाते हुए। चलिए फिलहाल बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं चेतेश्वर पुजारा, और संभालना होगा आज पुजारा को, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, और पुजारा को मैं बोलूँगा आप जो थोड़ा सा ना वो संभाल के खेलिए विकेट बचा के खेलिए। चलिए इस बार स्ट्रेट ड्राइव एकदम सीधा, लेकिन मिलेंगे 2 रन ही मात्र, होपफुली इस बार डायरेक्ट हिट नहीं लगेगी वहाँ से, ये तो पुजारा भी सीधा चल दिए होते हैं पवेलियन की तरफ भाई, लेकिन गजब मारा यार उधर से। चलिए इस बार फिर से कवर ड्राइव, यहाँ बैट का फेस खोला है, कनेक्शन अच्छा है बट पावर उतनी ज़्यादा नहीं, 2 ही रन मिलेंगे और 3 रन का हम लेने का ट्राई भी नहीं करेंगे, अब कुछ भरोसा नहीं भाई, मार दिया फिर से डायरेक्ट तोड़ तो एक और विकेट जाएगा यार हमारा, एक एक विकेट की बहुत अहमियत है फिलहाल, बहुत कीमत है यहाँ पे। चलिए इस बार
स्क्वायर कट मारना चाहते थे बट उतना ज्यादा रूम था नहीं इस वाली बॉल में अवेलेबल। तो 11 रन के बाद एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद खेल रही है फिलहाल भारत। पुजारा के हमारे साथ पुजारा है फिलहाल स्ट्राइक पर क्रीज के ऊपर और होपफुली यहाँ ये एक पार्टनरशिप तगड़ी लगे। चलिए यहाँ पे फिलहाल 3 रन आ जाएंगे और स्ट्राइक रखेंगे चेतेश्वर पुजारा। और फिलहाल आ चुके क्रिस वोक्स यहाँ गेंदबाज। 10 बॉल खेली है भाई पुजारा ने, खाता नहीं खोला अभी तक। पुजारा भाई ठीक है खाता मत खोलो इट्स ओके बट रनों को भी ध्यान रखना है, 286 बनाना है जीतने के लिए, 287 सॉरी है ना, और अपने को ही बनाना है वो। इजी बॉय फील्डर के हाथ में एक बार फिर से, यहां पे ड्राइव मारना चाहते थे सीधा फील्डर के हाथ में डॉट बॉल। एक सेकंड सोलह गेंद 10 रन जिसमें 4 आई थिंक सो पर्टिकल के 14 इसीलिए बॉडी नहीं बने अभी तक, एक्स्ट्रास नहीं दिए यार अभी तक, देखने वाली ये बात है इंग्लैंड की तरफ से। बहुत ही डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी बट कोई बात नहीं, यहाँ से अगर अच्छी बैटिंग करती है भारत तो चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। डे 4 2 दिन बचे हमारे पास ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, बस वही है कि डे 4 डे 5 थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजी के लिए, लेकिन तब भी 2 दिन है हमारे पास, सब भूल जाओ, सिर्फ इतना टारगेट याद रखो कि 287 बनाना है, दैट्स इट। भले वो एक एक रन करके बनाओ या छक्के छक्के चौके मारो, हू केयर्स, बस रन आने चाहिए, दैट्स इट, रन बनने चाहिए। चलिए फिलहाल आई थिंक जो पहला चौका आता हुआ हमारे इस इनिंग का और शायद भारत की इनिंग का भी नहीं आएगा, ले वो भी रोक लिया यार, एक तो चौका मारने दो, वो भी रोक लिया भाई, किस्मत में आसानी से देंगे नहीं ये लोग। चलिए फिलहाल 4 रन लेकर भाग लिए हमने, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। चलिए इस बार बाहर की तरफ आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ डिलीवरी, फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए ओली रॉबिन्सन। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका पिछली इनिंग में, यहाँ पे मैं तो ये देख रहा हूँ स्पिनर कब आने वाले हैं क्योंकि फिर और ज्यादा मुश्किल होगी हमारे लिए। तो इस बार पैड पर गेंद और उसको फ्लिक कर दिया है फाइव लेग की तरफ एक रन के लिए। यहाँ पे चलिए सेशन की यहाँ पे खत्म हो चुका है गाइस और लास्ट सेशन बचा है डे 3 का, तो यहाँ पे हमारा हम जो है अपने एपिसोड को गाइज यहीं पे एंड करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डे 3 का सेशन नंबर 2 एंड हो चुका है, इसके बाद सेशन नंबर 3 अपने को पूरा खेलना है, उसके बाद डे 4 एंड डे 5 2 दिन है हमारे पास और अपने को 2 दिन में बनाने हैं 287 रन, और अगर हम बना लेते हैं तो यहाँ पे आराम से 2-1 से भारत आगे हो जाएगी टेस्ट मैच में, और नहीं बनाते तो फिर इंग्लैंड आगे हो जाएगी। तो फिलहाल टारगेट हमारे पास है, बैट्समैन हमारे पास हैं विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, होपफुली ये वाला टेस्ट मैच भारत जीत जाएगी। तो आज के एपिसोड हम लोग यहीं पे करते हैं एंड इसी सेशन के साथ, नेक्स्ट एपिसोड में आपको विनर मिल जाएगा क्योंकि वहां पे हम पूरा सेशन और पूरा दिन खेल खेलेंगे, सिर्फ बैटिंग ही करनी है नेक्स्ट एपिसोड में अपने को, अब बॉलिंग का कोई सीन है नहीं। तो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि इंग्लैंड जीत रही है या फिर भारत यहाँ पे। तो ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अपना है चैनल पे, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से करना प्रेस। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट एपिसोड में विनर के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना एंड गुड बाय।